पहले अपने देखा था सेक्शन 141, ठीक है. 141 टॉक्स अबाउट थ्री मेन थिंग्स. फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन. फर्स्ट योर सबसेक्शन 1 एंड 2 टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन पार्ट. 1 में क्या लिखा था यहां पे, अगर इंडिविजुअल रहेगा तो सीए होना चाहिए, पार्टनर रहेगा तो पार्टनरशिप रहेगा तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीए एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. माने अगर एलएलपी रहेगा तो दैट इज सबसेक्शन 2, एलएलपी रहेगा तो द सीए इज ओनली ऑथराइज्ड टू साइन एन एक्ट. अच्छा, नाउ गो, लेट्स गो फॉर सबसेक्शन 3, द बिगेस्ट वन. इन दैट फर्स्ट वी सो सबसेक्शन 3 में ये वाला सबसेक्शन ए, दैट इज योर बॉडी कॉर्पोरेट. अच्छा, यहां पे मैंने देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो वो ऑल्टर नहीं बन सकता. बी में क्या लिखा था यहां पे, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी रहेगा तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता. ऑफिसर का मतलब क्या, डिमका. डिमका इज बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 59 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, इसमें अपने क्या देखा था, डिमका मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन, एनी पर्सन ऑन हूज डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट. मस्त आया. उसमें जो केएमपी वाला पार्ट है, दैट इज गिवन इन 2 क्लॉज 51, दैट इज नथिंग बट MWMCCC लोअर एरो, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, एनी पर्सन वर्किंग वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज अ केएमपी. सिंपल है यहां पे, यो कहते हैं यहां पे क्लॉज बी. क्लॉज सी क्या है, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कल आपने इसका डिस्कशन किया था काफी. देन आफ्टर दैट वी आर डन डी. इधर आएगा तेरा यहां पे, पहले इधर हिमसेल्फ पार्टनर और आने का आएगा नीचे रिलेटिव. तो दिस वी आर सीन. और यहां पे देखा था होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैशेस, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. बोलना, हिमसेल्फ या पार्टनर कैन दे होल्ड एनी शेयर्स इन द कैशेस? नो, नेवर. व्हाट अबाउट रिलेटिव, कैन दे होल्ड? कैन दे होल्ड इन एशेस? कैन दे होल्ड इन एशेस? यस. व्हाट अबाउट कंपनी? नो, दे कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू 1 लाख. व्हाट इफ इट एक्सीड्स फेस वैल्यू 1 लाख? करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज. सुपर्ब. नेक्स्ट आएगा तेरा इंडेबटेड फॉर मोर देन 5 लाख्स टू कैशेस. इंडिविजुअल, सॉरी, हिमसेल्फ पार्टनर के लिए नॉट अलाउड. व्हाट अबाउट रिलेटिव के लिए? नॉट अलाउड. नेक्स्ट हम देख रहे गारंटी फॉर एन अमाउंट मोर देन 1 लाख इन कैशेस. व्हाट अबाउट हिमसेल्फ एंड रिलेटिव के लिए? नॉट अलाउड. व्हाट अबाउट हिमसेल्फ पार्टनर के लिए? नॉट अलाउड. रिलेटिव के लिए भी नॉट अलाउड. यहां तक क्लियर है? वो गारंटी का अपन डिस्कशन करना बाकी है. गारंटी कौन देगा? गारंटी कौन देगा, हिमसेल्फ पार्टनर या रिलेटिव? गारंटी किसके बदले में दे रहे हैं? रैंडम थर्ड पर्सन. गारंटी इज गिवन टू हू? कैशेस, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग. व्हाट इफ द लोन अमाउंट फॉर दैट थर्ड पर्सन इज 10 लाख्स एंड वी हैव गिवन अ गारंटी ऑफ 90,000, कैन यू बिकम ऑडिटर्स? यस, बिकॉज गारंटी अमाउंट डज नॉट एक्सीड 1 लाख. ये मिस्टेक मत करना एग्जाम, ठीक है यहां पर. अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या? फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, स्पाउस, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड. सिंपल टू अंडरस्टैंड यहां पर, इजी. ओके, देन आफ्टर दैट वी आर डन दिस पार्ट, दैट इज क्लॉज ई. ई ना, बिजनेस रिलेशनशिप विद कैश एस, और ए के नीचे भी एस है यहां पर. क्या हो रहा है, ए के नीचे भी एस. वो बिजनेस रिलेशनशिप मेरा इन जनरल नहीं हो सकता, लेकिन दे हैव गिवन टू एक्सेप्शंस. प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है. व्हाट इफ, व्हाट अबाउट दिस रिलेटिव्स का, कैन माय रिलेटिव्स बी पार्ट ऑफ द कंपनी? यस दे कैन, बट इफ दे आर होल्डिंग द पोजीशन एज डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय, देन आई एम नॉट अलाउड टू ज्वाइन दैट कंपनी एज एन ऑडिटर. दिस कवर्स कैशेस और ओनली कंपनी, ओनली कंपनी. ये पॉइंट में ध्यान देना, क्लियर है यहां पर? आगे जी, दैट इज F20. सिंपल है. फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं कहीं और हूं तो मैं ऑडिटिंग नहीं कर सकता. 20 क्या था, आई कैन टेक मैक्सिमम 20 ऑडिट्स. अभी इसका आंसर देना अच्छे से. मैक्सिमम आई कैन टेक 20 ऑडिट्स. दैट 20 डज नॉट इंक्लूड विच कंपनीज? प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड कैपिटल ऑफ लेस देन 100 crores. ओ से क्या आएगा, 1% कंपनी. डी से डॉर्मेंट कंपनी. एस से स्मॉल कंपनी. इट विल नॉट इंक्लूड दोस कंपनीज. इजी, वेरी नाइस. नेक्स्ट आएगा तेरा यहां पे एच. एच में क्या आएगा तेरा यहां पे, फ्रॉड एंड 10 इयर्स हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. ये मैंने कल देखा था. जस्ट डज द जेल टर्म मैटर?
जेल टर्म कितने साल का मैटर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आपने को देखना है कि कन्विक्शन का डेट कभी आया था, तब से लेकर 10 साल के लिए वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 144। इसमें मैंने क्या देखा था यहां पे? इफ द ऑडिटर सब्सिडरी और हिज एसोसिएट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी दे कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144 कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी What are the services under 144? Let's start. 1, 2, 3, start. Design and implementation of any FIS, accounting and bookkeeping services, actuarial services, rendering of outsourced financial services, investment advisory services, investment banking services, management services, internal audit and any other kind of services as may be prescribed. ये मैंने किया था। FIS का फॉर्म क्या? Financial information system, हाँ वो भूलना मत, ठीक है? अच्छा आगे अपन मान में इसमें गया था। We did then appointment of auditor, ये मैंने किया था। Okay, let's do this. Okay. पहले चालू कर अपना, इसका ट्यून क्या है अपना? 1, 2, 3 स्टार्ट। BM CBN 39636 30-30-30-. वेरी इजी, मेरे को आराम से बोलना। इफ इट इज अ फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। फॉर गवर्नमेंट कंपनी विच सेक्शन डू वी लुक एट? टू क्लॉज 45। अच्छा उसमें अपन देखते गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सा कंपनी? एनी कंपनी इन विच इधर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और एक मिनट एंड इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर होल्डिंग हाउ मच परसेंट शेयर्स? यस एटलीस्ट 51% शेयर्स इन द कंपनी। क्या बोल रहा हूं मैं? एटलीस्ट 51% शेयर्स इन द कंपनी। अच्छा अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी निकला मतलब क्या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी निकला तो आराम से बोलना। फर्स्ट ऑर्डर को कौन अपॉइंट करेगा यहाँ पे? बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट देन मेंबर्स विद इन 90 डेज नेक्स्ट 90 डेज। क्लियर है? अच्छा अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे अपॉइंट होगा? सीएनजी विद इन 90 डेज 60 डेज। इफ द सीएनजी फेल्स टू अपॉइंट बोर्ड विद इन 30 डेज एंड द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट मेंबर्स विद इन द नेक्स्ट 60 डेज। वेरी नाइस। अच्छा अगर सब्सिक्वेंट ऑर्डर चुन रहे अपन इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो अपन एक रूल देखते रूल 3 ऑफ विच रूल्स कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। वेरी नाइस। अच्छा बोलना रूल 3 अगर अपन देख रहे हैं तो पहले अपने को देखना पड़ेगा कि ऑडिट कमेटी की जरूरत है या नहीं है। ऑडिट कमेटी का अपना था सेक्शन 177 में एलपॉट 10 50 100। यू नो व्हाट एलपॉट इज? लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग डिबेंचर डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर। ठीक है अगर ये अपने देख लिया तो ऑडिट कमेटी बिठाना है कि नहीं बिठाना है वो अपन डिसाइड करेंगे। अगर ऑडिट कमेटी बिठा रहे हैं अपन ऑडिट कमेटी रहेगा तो ऑडिट कमेटी या तो फिर बोर्ड उन लोग क्या काम करेंगे? केक पे कॉल। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ द कंपनी। बाद में क्या आएगा? पेंडिंग मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड लास्ट में क्या आएगा? कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये देखेंगे एंड दे विल रिकमेंड द नेम ऑफ द पर्सन टू द बोर्ड। बोर्ड का दो अग्रीज या डिसअग्रीज। इफ द बोर्ड अग्रीज देन रिकमेंड द एजीएम। इफ द बोर्ड डिसअग्रीज देन R3 रेफर बैक recommendation for reconsideration citing reasons. If the audit committee does not reconsider the person, matlab kya they does not consider the matter, unlo bolte ki hum log yehi aadmi chahiye, to board kya karega? Send its own recommendation with reasons and record reasons. Clear? And it will send it to the AGM. Yahan tak clear hai? AGM mein do cheez hoga, auditor ke appointment ke pehle kuch, auditor ke appointment ke baad kuch. Before appointment auditor ka duty ऑडिटर विल गिव कंसेंट एंड सर्टिफिकेट दैट ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 141। अच्छा ऑडिटर के अपॉइंटमेंट होने के बाद कंपनी का दो ड्यूटी इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट ही हैज बीन अपॉइंटेड एंड नोटिफाई द आरओसी विद इन 15 डेज। सुपर अच्छे से आए। क्लियर है? ये कौन सा कह रहा है यहां पे? रूल 3। नाउ टेल मी इफ देयर इज अ कैजुअल वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर बिकॉज ऑफ रीजन अदर देन रेजिग्नेशन। रीजन अदर देन रेजिग्नेशन तो क्या प्रोसीजर अपना? BM CBM 39636 30-. तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट देन हैव टू अपॉइंट। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो प्रोसीजर क्या? बोर्ड विल रिकमेंड विद इन
vacate the name and the shareholders will decide within 3 months. In which meeting? EGM, Extraordinary General Meeting. अच्छा tell me this, if the board ने matter यहाँ पे recommend किया और shareholders चुन रहे तो auditor का duty ऐसा है क्या छोड़ के चले जाने का? नहीं, auditor है duty during resignation. Resignation में कुछ form भरना पड़ेगा. Form EDT 3, very nice. और form EDT 3 has to submit to two parties, company and ROC. अच्छा if the auditor fails to do his duty then penalty कितना? 2 और auditor remuneration which is lower and maximum amount up to. Super, मस्त आया answer ये. Clear है यहाँ पे? अच्छा, what about subsequent auditor in the case of a government company? Why it is from the commencement of the financial year, we have to appoint CNDG, will have to appoint the auditor. अच्छा, अगर तेरा casual vacancy रहेगा in the case of a government company, एक मिनट, इधर फर्क पड़ता है क्या? Resignation क्या, death का related, सब एक ही है. अच्छा, अगर casual vacancy रहेगा तो कौन appoint करेगा? CNDG, within how many days? 30 days. अच्छा, CNDG ने appoint नहीं किया तो board within 30 days. अच्छा इफ बट इफ इट स्टिल मैटर ऑफ रेजिग्नेशन देन इज इन द ऑडिटर्स ड्यूटी देयर तो ऑडिटर का कौन सा फॉर्म भरेगा एडीटी 3 किसको सबमिट करेगा कंपनी आरओसी एंड सीएनडीजी और ऑडिटर ने नहीं किया तो पेनल्टी कितना है सेम जो अपन उधर देखा था यहां तक परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे इसके अलावा किया था उसके बाद समथिंग कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ ऑडिटर वी आर डन हियर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स तो ये था पूरा वाला जो अपन ने यहां पे किया from our notes and then we did rotation of auditors. Rotation of auditor is here. Clear है? अच्छा से करना है यहाँ पे. Rotation of auditors में अपने देखा था यहाँ पे. Rotation of auditing का principle कौन से company को applicable है? Listed company के लिए one person and small company का applicable नहीं है. So let's sing that tune once. आराम से बोलना. L O S all. Puk puk puk. P B from A B P. 50 10 50. Are all the puks the same? No. ठीक है. तो पहले क्या कहते हैं यहाँ पे आराम से बोलना लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है वन पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है ऑल प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीस और मोर ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ रुपीस और मोर 50 10 50 क्लियर है यहाँ पे अच्छा ये हो गया तेरा ये आराम से बोलना मेरे को रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रिंसिपल केस में अगर एक कंपनी को ये चीज एप्लीकेबल रहेगा एंड इफ एन इंडिविजुअल इज डूइंग द ऑडिट दैट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म देन दैट पर्सन विल कैन डू द ऑडिट ऑफ वन टर्म ऑफ अप टू 5 इयर्स आफ्टर दैट देयर इज कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स 5 इयर्स सेकंड एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप फर्म रहेगा पार्टनरशिप फर्म विल डू द ऑडिट फॉर टू टर्म्स ऑफ 5 इयर्स ईच मैक्सिमम 5 इयर्स ईच बट आफ्टर दोस टू टर्म्स कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड इज 5 इयर्स और 10 इयर्स 5 इयर्स कैन दे बी अगेन रीअपॉइंटेड आफ्टर 5 इयर्स यस अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सपोज कॉमन पार्टनर है दिस फर्म एज वेल एज दैट फर्म दोनों को ऑडिट करने का पावर नहीं है परफेक्ट यहां पे दिमाग में इजी नो इश्यूज एट ऑल क्लियर एकदम अच्छा ये हो गया तेरा यहां पे रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग का प्रिंसिपल नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर रिमूवल अपने देखा था सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ये कौन सा रिमूवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकाल रहे माय फर्स्ट क्वेश्चन इज Is this happening during the tenure or at the end of the tenure? During the tenure. यहाँ पे उसको निकाल रहे अपन. अच्छा ऑडिटर को निकालना इजी है या टफ जॉब है टफ क्योंकि अपने को बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए पहले किसको अप्रूवल चाहिए रहेगा बोर्ड रेजोल्यूशन वील नीड एंड विद इन 30 डेज विल मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच फॉर्म एडीटी 2 विद फीस विल गिव अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टाइम देना चाहिए डिसीजन लेने कैसे दिया है क्या नहीं अच्छा व्हेनेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स अ डिसीजन Within that decision making decision आने के बाद 60 days के अंदर we have to keep a अपने को meeting बुलाना पड़ेगा ठीक है EGM बुलाना पड़ेगा we need to pass a special resolution but before that you have to give an opportunity of being heard to the auditor यहाँ तक clear है वो 60 days के अंदर रहेगा तो अपना days कैसा है यहाँ पे 30 and 60 ये अपने दिमाग में clear तो our days here is very clear it is what 30 days and here we have seen what 60 days यहाँ तक clear है After that, we went into this very nice section, that is section 140, subsection 4. अगर members को at the end of the tenure, your auditor नहीं चाहिए, तो क्या देना पड़ेगा? Members will give, याद है? Members will give a special notice to the company. Company will give the copy of the special notice to the RO, so to the auditor. Auditor देख करेगा, RW, RL, RN. Representation in writing, not exceeding reasonable length, request to notify the member. This will come to the company. Company या any agreed person को बुरा लगा? एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल अच्छा और ट्रिब्यूनल क्या करेगा यहाँ पे ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड दैट ऑडिटर हैज अब्यूज द राइट्स देयर रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी सेंट और रेड ये अपने देखा था
इसका एक बीच वाला पार्ट बाकी है. कंपनी को अगर रिप्रेजेंटेशन मिला और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गलत बात लिखा नहीं है, ही हैज नॉट अब्यूज्ड हिज राइट्स, अभी देखना पड़ेगा कभी मिला. इफ इट इज बिफोर और ऑन टाइम तो सेंड टू द मेंबर्स. अच्छा, इफ इट इज रिसीव्ड आफ्टर द टाइम देन इट विल बी रेड आउट एट द मीटिंग. क्लियर है यहां पे? इजी, वेरी नाइस. अच्छा, कम टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 5. ये अच्छा सेक्शन है, इसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. पहले अगर ट्रिब्यूनल को देखना है कि ऑडिटर यहाँ पे फ्रॉडलेंट था या नहीं था, तो एप्लीकेशन तीन जगह से आ सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, सुओ मोटो ट्रिब्यूनल बाय इटसेल्फ, लास्ट में क्या आएगा? पर्सन कंसर्न. अच्छा, दे विल रिसीव द एप्लीकेशन. ट्रिब्यूनल इसमें क्या देखेगा? इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूडेड इन एनी फ्रॉड इन रिलेशन टू सीडीओ कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर. क्या क्लियर एकदम? अच्छा, अगर ये माला मैटर अपना हो गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर. अभी सुना, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर हो गया, देन ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 years. आल्सो फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. बट इफ द एप्लीकेशन इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 डेज द ट्रिब्यूनल हैज टू डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर. अभी सीजी को दो पावर मिलेगा. पहले दे विल अपॉइंट द ऑडिटर एंड ऑल्सो 15 डेज के अंदर द ट्रिब्यूनल विल टेक द डिसीजन. ठीक है, टू थिंग्स विल हैपन. इजी टू अंडरस्टैंड यहां पे. यो कहता रहा रिमूवल का प्रोविजन एकदम फिनिश, टेंशन ही नहीं इसमें. देन आफ्टर दैट फ्रॉम आवर नोट्स नो वी आर डन, इफ आई रिमेंबर क्लियरली, वी आर डन ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, देन पावर्स एंड पावर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. ठीक है, दैट राइट्स वाज़ वेरी सिंपल. इट वाज़ बेसिकली एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, नोटिस टू अटेंड जीएम, रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑन द अकाउंट एग्जामिन, एंड लास्ट में राइट टू लियन. लियन का आई मेड यू राइट आईसीएस क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन, उसमें क्या आया था? क्लियर है यहाँ पे? राइट टू लियन इज नाउ नॉट देयर एनीमोर. ओके, नेक्स्ट आएगा तेरा यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. क्या आएगा? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ओके, लेट्स डू दिस. ड्यूटी में अपन ने देखा था. ओके, टेल मी, पहले क्या आएगा तेरा उसमें? 143 सबसेक्शन 1, दैट इज ड्यूटीज टू मेक इंक्वायरीज. फटाफट मेरे को बोलना कोड क्या अपना यहाँ पे इसका? लॉट्स लॉप्स. सिंपल है, लॉट्स लॉप्स में पहले क्या आएगा तेरा यहाँ पे? लोन्स एंड एडवांसेस. अगर मैंने किसी और को दिया 2P, प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. उसका आने टी से आएगा, ट्रांजेक्शन मियरली शोन एज बुक एंट्रीज, वेदर दे आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट आएगा एस से, कंपनी इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी और एन इंश्योरेंस कंपनी, एंड इफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन शेयर डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, देन वेदर इट हैड टू सेल इट एट अ प्राइस लेसर देन द कॉस्ट. यहाँ पे सेल एट अ प्राइस लेसर देन द कॉस्ट का एस है. ठीक है, लॉब्स का एलओ क्या आएगा? लोन्स एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स. पी से क्या आएगा? चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, वेरी नाइस. एंड एस से क्या आएगा? शेयर इशूड फॉर कैश, वेदर द कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड. इफ द कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, वेदर द पोजीशन शोन इन द बुक्स इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग. बहुत अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड. ये हो गया अपना यहाँ पे तेरा ड्यूटीज का फर्स्ट वाला पार्ट. सेकंड अपना बिनो का दिल्स वाला, दैट इज बेसिकली योर ड्यूटी टू रिपोर्ट. क्लियर है? सिंपल है ये, विश्वेश आना चाहिए था ये. क्या बोल रहा हूँ? बिनो का दिल्स बोला अच्छे से. पहले क्या आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रॉपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी इन अग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिनो का दिल्स का बी, ब्रांच का रिटर्न्स, माने आइन से क्या आएगा? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. इनसे क्या आएगा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. अभी रुका, ये खत्म करते हैं. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कौन से कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है रिपोर्ट करने के लिए? प्राइवेट कंपनीज विच आर ऑल्सो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी और हैविंग बोरोइंग्स लेस देन 25 crores और हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 crores. क्लियर है यहां तक? ये तरह यहां पे क्लियर हो जाता. नेक्स्ट अपन देखते हैं उसके बाद बिन्नो. ओ से क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर. अच्छा, क्यू यू ए क्या आएगा? क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क्स. अच्छा, बाद में जरा नेक्स्ट आएगा उसके बाद डी आई, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था एक और चीज, दैट इज एल एस, एंड दैट वॉज गिवन इन रूल 11. वेरी नाइस. अच्छा, रूल 11 में अपन देखते हैं एल एस वाला, उसमें एल क्यूब था लिटिगेशन, मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस उसके लिए प्रोविजन, एंड लास्ट में एल से एक और डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट टू IEPF, जो तेरा डिविडेंड के चैप्टर का. माने अपन नेक्स्ट देख रहे हैं उसके बाद एस ए, स्पेसिफाइड बैंक नोट. कौन सा वाले नोट? नोटबंदी का 500 और 1000 वाले नोट्स, वो रिपोर्ट करना चाहिए. याद है? क्लियर है यहाँ पे तेरा? दैट कंप्लीट्स योर ड्यूटी टू. क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? रिपोर्ट. देन आफ्टर दैट ऑफकोर्स वी हैड डन द अदर ड्यूटीज विच आर स्मॉल वंस, दैट इज मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड बाय सीजी, तेरा ब्रांच के रिपोर्टिंग के रिलेटेड, एंड लास्ट में क्या आएगा? रीजन फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट, दैट वी नीड टू गिव. देन वी डिड द नॉन कंप्लायंस पार्ट. कुछ याद है नॉन कंप्लायंस पार्ट? ऑडिटर का मैंने सैड फेस बनाया था,
और एक कनिंग वाला फेस बनाया था, कोई ज्यादा रह के नहीं आ रहा। पहले आएगा तेरा वहां पे कंपनी को क्या पेनल्टी लगेगा, तो उसमें कंपनी का लिखा वहां पे 25,000 टू 5 लाख, एवरी ऑफिसर का पेनल्टी लिखा वहां पे इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 10,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज और बोथ, दैट कंपनी का निकल गया मैटर। ऑडिटर का जो पार्ट है ना वो ट्रिकी वाला पार्ट है ऑडिटर का, तो उसमें ध्यान देना, ऑडिटर ने गलती कर ली, मिस्टेक हो गया उससे, नॉट जानबूझ के गलती हो गया, तो अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा तेरा यहां पे मिनिमम कितना रहेगा, 25,000 टू 25,000 टू 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। और अगर तेरा यहां पे उसने जानबूझ के क्या रहेगा तो व्हाट इज द पेनल्टी, 50,000 टू 25 लाख एंड 8 और 8 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन, इंप्रिजनमेंट अप टू श्योर 1 ईयर, बराबर और बोथ है क्या, बोथ ठीक है यहां पे, ओके ठीक है, इतना कंफ्यूजन ठीक है इजी। तो ये अपना हो गया यहां पे कंपनी ऑडिट का चैप्टर, क्लियर है, सो इसको अच्छे से रिवाइज कर, वापस बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोथ एग्जामिनेशंस, ठीक है, सो डू इट वेल, ठीक है, चलो।